محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم मेरे मौला 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 मेरे मौला 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 मेरे मौला 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 मेरे मौला 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 मेरे मौला मौला। आपके पास ये अल्लाह ताला ने आपको जेली दी है, ठीक है, ये भी जेली यहाँ रखी हुई है। अभी आप जो है ना, अभी या अल्लाह मुझे नेक बना दे, या अल्लाह मुझे नमाजी बना दे, या अल्लाह मुझे अच्छी बेटी बना, या अल्लाह मैं आलिमा बनूं। माशाल्लाह, तस्बीह फातिमा नमाज पढ़ रही हैं। सीधी खड़ी हो। तस्बीह फातिमा नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के लिए देखो पता क्या करते हैं, पहले आप यहाँ से ना अल्लाह अकबर करते हैं, ऐसे देखें ना, ये देखें, ये से करो अल्लाह अकबर जी, ऐसे अल्लाह अकबर है, नहीं ऐसे ऊपर खड़े करो, ऐसे करके हाथ बांधेंगे, देखें ऐसे हाथ बांधेंगे अल्लाह अकबर, बस खड़ी है खड़ी है, उसके बाद रुकू में जाएं, नीचे देखें नीचे देखें, और पढ़ दिया फिर अभी जी नीचे ऐसे रुको में जी माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, फिर ऐसे सजदे में माशाल्लाह, फिर यहाँ पे हाथ यहाँ पर जी, फिर सजदे में जाएं, फिर ऐसे सजदा करते हैं, ऐसे करते हैं सजदा, ऐसे रखते हैं और ऐसे करके सजदा करते हैं, फिर उठ जाएं, अब फिर खड़ी होते हैं अल्लाह अकबर कह के, अल्लाहु अकबर बोले नहीं, अभी जैसे हाथ ऐसे करके, ठीक है, अभी सब सीधी खड़ी हो और पढ़े सुभान अल्लाह अकबर कहें, नीचे यहाँ पे हाथ चलो चल, अभी अभी दुआ मांगेंगे, बैठे बैठे अभी सलाम फेरो, अभी बैठो बैठो, अच्छा लाओ माशाल्लाह, तस्बीह फातिमा नमाज पढ़ रही हैं। माशाल्लाह, तस्बीह फातिमा नमाज पढ़ रही हैं। माशाल्लाह, दुआ कर, दुआ दुआ मांगे, दुआ या अल्लाह, या अल्लाह मुझे जेली दे दे, या अल्लाह मुझे नेक बना दे। हाँ ना, अल्लाह ताला ने जेली दी आपको, जेली दी अभी ये आपके पास, ये अल्लाह ताला ने आपको जेली दी है, ठीक है, ये भी जेली यहाँ रखी हुई है। अभी आप जो है ना, अभी या अल्लाह मुझे नेक बना दे, या अल्लाह मुझे नमाजी बना दे, या अल्लाह मुझे अच्छी बेटी बना, या अल्लाह मैं आलिमा बनूं, या अल्लाह मुझे नेक बना, और दुरूद शरीफ पढ़े सल्लल्लाहु इल्लल्लाहु, ऐसे नहीं करते ना, सीधे बैठ बैठ के पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाहु 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आमीन। माशाल्लाह, आमीन आमीन बोलो, आमीन ऐसे करो ना। हमारे अपने बच्चों को आज जो है वो नमाज़ की तरगीब दिलाने का एक तरीका ये भी है कि जब घर में भी आप जब नमाज़ पढ़ें, मतलब वहाँ पढ़ के आए मस्जिद में, और फिर घर में जो है वो एक नकल के तौर पर जो है कि बच्चों को तरगीब दिलाने के लिए, नमाज़ सिखाने के लिए हम बच्चों को भी वो प्रैक्टिकल तौर पर करके बताएं। तो जैसे मैंने ये वीडियो में जो है अपनी बेटी के साथ से नमाज का तरीका करके बताया,
तो ये फिर उसी पर जो है प्रैक्टिस करती रही। ठीक है, तो बच्चे जो हैं वो अपने बड़ों की कॉपी करते हैं, उनकी नकल करते हैं, तो और अपने बच्चों को नमाज की तरगीब लाजमी दिलाएं। ठीक है, और ये हमारी बेटी तस्बीह फातिमा जेली खा रही हैं। ठीक है, और बेटियों के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटियां बड़ी बाबरकत होती हैं। औरत के लिए बहुत ही मुबारक है कि उसकी पहली औलाद लड़की हो। जिस शख्स की बेटियां हों उसे बुरा मत समझो। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं भी बेटियों का बाप हूँ। लड़की पैदा होती है तो अल्लाह ताला फरमाता है, ए लड़की तू ज़मीन पर उतर, मैं तेरे बाप की मदद करूँगा। और अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़। मेरी मौला मौला मौला, 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 मेरे मौला करम हो करम, 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 तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला।